जब एक ही कंपनी एक ही केमिकल एंड फार्मुलेशन को दो अलग अलग ब्रांड के नाम से लॉन्च करती है तो यह सोचने वाली बात हो जाती है। आज हम एक ऐसे ही ब्रांड मयूर कीटनाशक के बारे में बात करेंगे जो कि BASF कंपनी का ब्रांड है और BASF कंपनी ने सेम इसी केमिकल एंड फार्मुलेशन को दूसरे ब्रांड के नाम से भी लॉन्च कर चुका है। तो कंपनियां ऐसा क्यों करती है और दोनों ब्रांड में से सबसे अच्छा हमारे लिए कौन सा रहेगा, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम खेती से संबंधित सभी दवाइयों की A to Z जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मयूर कीटनाशक BASF कंपनी का आता है और इसका जो केमिकल एंड कंपोजिशन है इसमें क्लोरोफेन पायर 10% जो कि SC फार्मुलेशन में आता है। SC का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है जो कि आपको सफ़ेद रंग के गाढ़े लिक्विड फार्म में देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं मयूर कीटनाशक किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से कीटों को मारता है। तो मयूर कीटनाशक में क्लोरोफेन पायर पाया जाता है। क्लोरोफेन पायर पायरोल ग्रुप का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करता है। यह कीटनाशक के साथ साथ एक मकड़ी नाशक भी है जो कि रेड माइट यानी कि लाल मकड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। क्लोरोफेन पायर में स्टोमेक एक्शन भी है। स्टोमेक एक्शन होने के कारण यह कीटों के मुंह के द्वारा कीटों के पेट में जाता है और कीटों को मारता है। इसमें ओबिसाइडल एक्शन और लार्वासाइडल एक्शन भी है। ओबिसाइडल एक्शन होने के कारण यह कीटों की जो अंडा होता है उन्हें नष्ट कर देता है, फोड़ देता है और लार्वासाइडल एक्शन होने के कारण यह कीटों की जो लार्वा की अवस्था होती है यह उन्हें भी बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण करता है। क्लोरोफेन पायर कीटों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके कीटों में एडोनोसिन ट्राइफास्फेट के उत्पादन को रोक देता है जिसके बाद कीट 24 से 48 घंटे के बाद निश्चित ही मर जाते हैं। तो किसान भाइयों, यह था मयूर कीटनाशक यानी कि क्लोरोफेन पायर की काम करने का तरीका। अब जान लेते हैं मयूर कीटनाशक कौन कौन से कीटों को नियंत्रण करता है। तो मयूर कीटनाशक मुख्य रूप से रेड माइट यानी कि लाल मकड़ी, इसके अलावा एफिड, थ्रिप्स, लीफ माइनर, डायमंड बैग मोथ और सभी प्रकार के कैटरपिलर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावी ढंग से नियंत्रण करता है। वहीं इसकी क्रॉप स्प्रे की बात करें तो मयूर कीटनाशक को BASF कंपनी लगभग सभी प्रकार के फसलों के लिए रिकमेंडेड करती है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा स्प्रे मिर्च, बैंगन, करेला, भिंडी, गोभी जैसे फसलों पर होता है। वहीं इसकी डोज की बात करें तो मयूर कीटनाशक को बेस्ट रिजल्ट के लिए प्रति एकड़ 300 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। 20 लीटर वाले पंप के लिए आपको 40 ml मयूर कीटनाशक को लेना चाहिए। मयूर कीटनाशक की रैन फास्ट इन्हें 6 घंटे का होता है। इसको स्प्रे करने के बाद फसल और कीटों के ऊपर काम करने के लिए 6 घंटे का समय लगता है। यदि इसे आप बारिश के समय पर स्प्रे करते हैं तो सिलिकॉन स्टिकर जरूर मिलाएं और ऐसे दिन इसका स्प्रे करें जिस दिन लगातार 6 से 7 घंटे तक बारिश होने की संभावना न हो। नहीं तो यदि इसे आप स्प्रे करेंगे और 2 से 3 घंटे के बाद भी बारिश होती है तो इसका रिजल्ट हमें लगभग 25 से 30% तक ही देखने को मिलेगा क्योंकि यह लगभग 75% सिस्टमिक तरीके से ही काम करता है, लेकिन यह कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों है। तो किसान भाइयों, बात करें इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी की तो मयूर कीटनाशक को स्प्रे करने के बाद यह हमारे फसलों पर 14 से 21 दिनों तक काम करता है। यदि कीटों का अटैक नहीं हुआ है और स्प्रे करेंगे तो यह आपके फसलों पर 21 दिनों तक कीटों को आने ही नहीं देगा, और कीटों का अटैक हो चुका है और स्प्रे करते हैं तो यह कीटों को मार करके लगभग 14 दिनों तक नियंत्रण करता है। मयूर कीटनाशक को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 24 से 48 घंटे के बाद ही देखने को मिल जाता है। कम्बिनेशन एंड स्टेज की बात करें तो मयूर कीटनाशक को आप फसल की सभी स्टेज पर स्प्रे कर सकते हैं। इसका किसी भी तरीके से दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वही कम्बिनेशन की बात करें तो इसे आप दूसरे कीटनाशक, फफूंदनाशक, टोनिनाशक तीनों के साथ मिलाकर के कम्बिनेशन कर सकते हैं।
किसान भाइयों अब अंत में बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग एंड कीमत की। तो मयूर कीटनाशक आपको 100 ml, 300 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 300 ml का जो पैकिंग है यह 1250 रुपये के लगभग में मिल जाता है। अब अंत में जान लेते हैं मयूर कीटनाशक का जो अल्टरनेटिव ब्रांड है यह कौन सा है। तो BASF कंपनी इससे पहले भी इसी सेम केमिकल एंड कंपोजिशन को यानी कि क्लोरोफिन पायर 10% SC को BASF कंपनी की जो इंटरपीट कीटनाशक आता है इसके नाम से लॉन्च कर चुका है। और इसका स्प्रे हम मिर्च और बैंगन के फसल पर मकड़ी को और थ्रिप्स को नियंत्रण करने के लिए कर चुके हैं। इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला। और BASF कंपनी ने जो इंटरपीट कीटनाशक है इसे पहले लॉन्च किया था और अभी हाल ही में 2 से 3 साल पहले मयूर कीटनाशक को लॉन्च किया है। कंपनियां ऐसा क्यों करती है? तो मेरे ख्याल से जब किसी भी एक ब्रांड की जो मार्केटिंग है वह अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जो केमिकल एंड कंपोजिशन होता है वह दमदार होता है, फिर भी मार्केटिंग उसका अच्छा नहीं हो पाता है, तो कंपनियां ऐसा करती है उसे दूसरा पैकिंग रूप से दूसरा नाम देके अच्छी तरीके से उसे फिर लॉन्च करती है। तो मेरे ख्याल से भी यही BASF कंपनी ने क्या होगा, बाकी और कुछ भी नहीं है, दोनों दवाइयों का रिजल्ट आपको समान देखने को मिलेगा। लेकिन जो इंटरपीट कीटनाशक है यह थोड़े से सस्ता में आता था और जो मयूर कीटनाशक है इसका जो प्राइस है यह अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, बस इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों हमारी जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि आप वीडियो को पूरे अच्छी तरीके से नहीं देखते हैं, इसलिए आप वीडियो जितने भी देखते हैं कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।